मेहनत कश तबके पर इनायत के नाम पर मजाक। नए साल के आगाज से कबल मजदूरों की उजरत में 23 रुपए का इजाफा। मजदूर की रोजाना उजरत 800 रुपए मुकर्रर। हुकूमत का मजदूर की नई उजरत मुकर्रर करने का मुराकदा चाह। खाद की कीमतों में ढाया कहर, महंगाई की उठी एक और लहर। अलीपुर में रातों रात खाद की कीमतों में बड़ा इजाफा। डीएपी खाद की एपी बोरी कीमत 750 रुपए बढ़ गई। डीएपी खाद 8,957 रुपए की हो गई। उधर मुल्तान के किसान भी शिकवा खुना, कहा के कितारों में घंटे खड़े रहने के बावजूद खाद नहीं मिलती। नहीं मिलती, बहुत तंग थे पे हैं। बहने एक बोरी दो बोरिया मिल दे, वे चाहने मरेने वाल 15-20 दिन इंतजार करेने हैं। ऊ दुकान दे बांज, ऊ दुकान दे बांज, कितों मिलती नहीं पाई। गवर्नमेंट ने सारा माशी कतल कर दी थे, ठीक है ना। रातों रात डीएपी 750 रुपये महंगी कर दी थी। उन्हें मुताबिक सको यूरिया भी नहीं मिलती पी, डू मुराबे सारी काश थे ना, सको यूरिया दस्तियाब है ना डीएपी। महंगाई और हालात का मारा किसान मुस्तकिल परेशान। डीजी खान में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सड़कों पर निकल आई। खाद न मिलने और बिजली के बिलों में एफएपी शामिल होने पर नारेबाजी। ज़राअत के लिए बिजली सस्ती करने का मुतालिब। मुल्तान इंतजामिया का जखीरांदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। बलोचिस्तान स्मगल की जाने वाली 1200 बोरिया यूरिया खाद धर ली। मुलजिम मोहम्मद अयूब साबिर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर ली। सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी भरपूर कार्रवाई। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस के दबंग अहकाम। काबजीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अल्टीमेटम। सरकारी अराजी पर काबजीन का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत। महंगाई में रिलीफ दूर करेगा तकलीफ। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन का आगाज। मुस्तहिक अफराद को रियायती नफों पर अशिया फरोश मिलेगी। दुकानदारों को मुकर्रर नर्ख के अलावा 8% मुनाफा मिलेगा। उधर कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्ठा की सरबराही में इजलास हुआ। एहसास राशन प्रोग्राम से मुतलका अमूर का जायजा। रंगपुर का इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन एक साल से खराब। मुजर सेहत पानी पीने से शहरी बीमार होने लगे। शहरियों का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द बहाल करने का मुतालिब। सेहत पानी का नाकिस गजा का इस्तेमाल। 24 घंटों के दौरान मुल्तान में गेस्टों के 208 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्चित अस्पताल में 76, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 87, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 13 और टाउन अस्पतालों में 21 मरीज लाए गए। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। वोटर लिस्टों की तस्दीक का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन ने तस्दीकी अमल में 10 रोज का इजाफा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान सलीम अख्तर की रोहिश से गुफ्तगू, कहा कि तस्दीक का अमल 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। हुकूमत का बुकला बरादरी के लिए अहसन इकदाम। बुकला के लिए 4000 प्लॉट अलॉट करने का हुक्म। सदर हाईकोर्ट बार मुल्तान का हुकूमत के लिए इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला और सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद का शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट बार अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बार के 13,000 बुकला के लिए काबिशें जारी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लैया को फाइल करने के लिए अमली इकदाम का आगाज। हायर एजुकेशन ने डीसी लैया को यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नामजद कर दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की मुस्तकिल तैनाती तक डीसी लैया जिम्मेदारियां संभाले। बलोचिस्तान से पंजाब सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। गोहे सुलेमान में बैन सूबाई शाहरा की तामीर का काम शुरू। कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्ठा ने रोड के काम का जायजा लिया। उधर टीएचके अस्पताल भारती के अपग्रेडेशन का मुआयना किया। महकमा बिल्डिंग और मुतलका अफसरान ने ब्रीफिंग दी। शहरे औलिया की तज़ीन आराइश का मंसूबा जारी। एमडीए चौक पर यादगार की तामीर का आगाज। डीसी आमिर करीम खान ने संगे बुनियाद रख दिया। सुनामा भी तरक्याती याफ्ता इलाकों की दौड़ में होगा शामिल। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। आरएससी सुनामा को टीएचके अस्पताल का दर्जा मिल गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मॉडल बाजार भी बनेगा डायरेक्टिव जारी।
मुल्तान के बोसीदा सिवर सिस्टम की तब्दीली मरहला बार जारी। लोहा मार्केट ताजर ताहरम गेट से बजलाइंस होंगी तब्दील। वासा हुकाम ने अगले माह से सूबे पर काम शुरू करने की नवीद। तरक्याती कामों का जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। सेक्टरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद का मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा। कहा कि अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। क्रिसमस को भरपूर तरीके से मनाने के लिए इंतजाम। कमिश्नर मुल्तान का कल से क्रिसमस बाजार फाल करने का हुक्म। उधर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली का गिरजाघरों का दौरा। क्रिसमस इंतजाम और सिक्योरिटी का जायजा। डीपीओ खानीवाल के मसीही रहनुमाओं के साथ मीटिंग। क्रिसमस का केक काटा, मुबारकबाद दी। उधर रहीमिया खान में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के जरिए तमाम तकरीब हुई। क्रिसमस के मुनासबत से केक काटा और राशन तकसीम किया। डेरा गाजी खान ने मीर चाकरे आजम रिंग गेम्स के मुकाबले वॉलीबॉल के मैच में मैच और केपीके में आमने सामने। साउथ पंजाब और हायर एजुकेशन के मबैन भी आज मुकाबला होगा। नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल रहीम खान में तकरीब हुई। मैट्रिक में आला कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में अवार्ड तकसीम किए गए। बच्चों ने कामयाबी को इदारे की मेहनत और मां बाप की दुआओं का नतीजा करार दिया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। और वही बात के उसाज़ा की मेहनत और वालदेन की दुआओं के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। मेहनत ही का सिला है, आगे भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। पेरेंट्स की दुआएं हैं और अपनी मेहनत है। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ जो है वो हमारे टीचर्स का है और स्कूल वालों का है, जिन्होंने हमें इतनी मेहनत करवाई है और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे और इतने अच्छे मार्क्स हम लोगों ने लिए हैं। नेशनल गैरिजन स्कूल में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई गई। इसमें तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी बहुत जोर दिया जाता है। साजा की मेहनत से, वालदैन की दुआओं से और हमारी मेहनत से अल्लाह ताला ने इसका मैं भी नवाजा। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र। शुजाबाद में जिले अफसरान और सहाफी आमने सामने। असिस्टेंट कमिश्नर और मीडिया 11 मबैन क्रिकेट मैच हुआ। मीडिया 11 ने असिस्टेंट कमिश्नर 11 को हरा दिया। इख्तिताम पर बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने पर इनाम से नवाजा गया।